अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़, मैं हूं मोहम्मद मालिक। हमारा इनिशियल प्लान जो प्रोग्राम था वो तो आज सुबह जब बात हुई, इन्होंने बताया गवर्नमेंट ने कि हमने 10,000 नई जायदादें ढूंढी हैं, हमने नोटिस कर दिए हैं, डार साहब का इशू था और नैब का जो फैसला था मियां साहब का, उसके ऊपर जो नैब की फुर्तियाँ आनी हैं जानी और नालायकी हैं, उस पर जो हाईकोर्ट के कॉमेंट्स थे, प्लान सारा उस पर था। देन सडनली दिस बॉम्बशेल हैपन्ड कि शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए और उसके साथ ही आप भी स्क्रीन्स को देख रहे हैं, पूरे मुल्क में एक नया तलातम सा बरपा हो गया कि अब क्या होगा। शायद 1985 के बाद ये पहली दफ़ा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी भी केस में इस तरह अरेस्ट हुए हैं। लेकिन इशू है आशियाना हाउसिंग का, कितना मेरिट है उसमें, क्या नहीं है, लेकिन इसके क्या असरात हैं, होगा क्या, क्या इससे नून लीग की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी? क्योंकि शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो इंस्टीट्यूशंस के साथ मसालियत की सियासत रखते हैं, जबकि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब बहुत सख्त रवैया और हॉक्स थे और इनको डव कहा जाता है, कहा था पार्टी दो में स्प्लिट है। और बल्कि अब लेटेस्ट जो इत्तला थी वो तो ये थी कि इनका बयानिया स्ट्रॉन्ग हो गया है और बल्कि मियाँ साहब ने भी बेल पर आने के बाद ये कहा शहबाज शरीफ को कि आप इस चीज़ को आगे ले कर चलें, तो अब क्या उसको फुल स्टॉप हो गया। दूसरा, अगर नैब की हिस्ट्री देखें, जिस केस में पकड़ा हुआ है उसमें आहा चीमा को भी 7-8 माह हो गए हैं, फवाद हसन फवाद जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वादा माफ गुआ बन गए हैं, तो उन दोनों के खिलाफ अभी तक और कुछ चीज़ सामने नहीं आई। क्या वो एक चीज़ लंबी लटक रही है, इज दैट पोलिटिकल? और जैसा कि समझा जा रहा था, अपोजिशन ने उसको उछालना भी शुरू कर दिया है कि जी देखें, ये बाय पोल से कुछ दिन पहले एक बार फिर पकड़ लिया शहबाज शरीफ को जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, तो बाय पोल्स जौन से हैं ज़िमनी इंतखाबात उस पर जौन सी है जेरी मैंडरिंग हो रही है। लेकिन वाकई अगर ये बाय पोल सारे भी जीत जाती है अपोजिशन, तो इसका हकीकतन कोई नंबर्स गेम पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इस पर भी बात कर लेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या लैंड माफियाज इस मुल्क में टचेबल हैं कि नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, थैंक यू वेरी मच, बैरिस्टर शहजाद अकबर, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी, और राजा आमिर अब्बास साहब, एग्जीक्यूटिव प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। काशिफ आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या शहबाज शरीफ वाला जो बयानिया है आज, जो मिसालियत का कहते थे दो ग्रुप्स हैं, क्या वो ख़त्म हो गया आज? अब मरियम नवाज डॉक्ट्राइन चलेगी? देखिए, अब जाहिर है शहबाज साहब के पास भी वो लेवरेज ख़त्म हो गया जो जो उससे पहले, शायद आज के दिन से पहले उनके पास अवेलेबल था। अगर सिर्फ बयानिया की हद तक बात करें, उनका ये ख्याल था कि दारों के साथ लड़ना नहीं, फ़ौज के साथ बना के रखनी है, अदलिया को कुछ नहीं कहना, और अंदर खाने अगर मुजाकरात होते थे तो यही ख़ानदान, यही फैमिली जो थी, नॉट शरीफ खानदान में शहबाज शरीफ फैमिली मुजाकरात किया करती थी। अब इसके बाद ज़ाहिर है पहली चीज़ तो ये होगी कि वो जो सारा प्रेशर शहबाज साहब ने अपने ऊपर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं करनी, इलेक्शन के बाद तनकीद नहीं करनी, फ़ौज पर नहीं करनी, वो बहुत हद तक उनके हाथ से बात निकल गई। वो अंदर होंगे, ज़ाहिर है मियाँ साहब जब भी बाहर निकलेंगे, मरियम बीबी जब बाहर निकलेंगे, तो ये इसके अलावा तो और बात ही कोई नहीं। अब तो अपोजिशन ने भी, अभी पीपल्स पार्टी ने भी बयान देने शुरू कर दिए, ठीक है गलत मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ एक एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। देखें जी, ये तो विक्टिमाइजेशन है, ये तो ऐसे टाइम पर बुलाया किसी और केस में, पकड़ा किसी और केस में, अभी साफ पानी के केस में बुलाया था, आशाना में पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया उनको। सो ये गैर जरूरी एक चीज़ एनवायरनमेंट बनी है, और उसकी वजह मैं बताऊँ क्या है। देखिए, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा, इसलिए इसकी ब्रीफिंग्स नैब को देनी चाहिए। क्या लोगों को पता है कि ये किस केस में क्या हुआ है? ये जो सारी चीज़ें आज सामने आ रही हैं, ये तो इससे पहले मैं हालांकि टीवी प्रोग्राम में इक्का दुक्का बताई जाती रही है, लेकिन नैब की तरफ से ऑफिशियली कोई ब्रीफ नहीं किया गया किसी टीवी चैनल को, किसी को भी। मेरा ख्याल है अगर वो पहले से ब्रीफ करते कि ये केस है, इसमें ये कंपनी थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया, इस कंपनी को दिया, इसके पीछे पैरागॉन है, उसके पीछे साद रफीक हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई, यहाँ पर पैसे बने, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का मसला हुआ, तो लोगों को पहले से तैयार होते हैं कि इसमें बहुत बड़ा घपला कुछ होने वाला। दिस वॉज अ सरप्राइज, आज तो हर एक के लिए सरप्राइज था। खबर जब आई है शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया, मुझे उन्होंने कहा जी बीपर करना, मैं कहा वाकई वो किस केस में गिरफ्तार हुआ? यू नो, एक होता ना कि मियां साहब जब जा रहे हैं तो हमें पता पैनामा का केस है। सो यू थिंक जो शहबाज शरीफ डॉक्ट्राइन है मसालियत वाली, वो आज खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, उसको बड़ा धचका लगा। आई डोंट थिंक खत्म हो गई, क्योंकि मियां साहब के आने के बाद भी वो भी खामोश है। अब ये देखना अगले चंद दिनों में कि क्या ये खामोशी है, स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल खामोशी है, या इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक है? मेरा नहीं ख्याल है, इलेक्शन तो पार्टियों ने लड़ने हैं, मेरा नहीं ख्याल अपोजिशन इलेक्शन में तो फायदा होगा। अभी मेरी बात सुन, लेट्स बी फेयर, मुस्लिम लीग उनको इस इलेक्शन का फायदा, इस इलेक्शन में फायदा ऐसी किसी भी कार्रवाई का। देखें, हमजा शहबाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
उनका देखें जी ये तो चार वोटों की अक्सर से जीती हुई गवर्नमेंट है, तो ये तो बड़ी नाजुक गवर्नमेंट है। लेकिन मैं नंबर्स गेम देख रहा था कि अगर अपोजिशन ये सारे बाई इलेक्शन भी जीत जाए, सारी सीटें जीत जाए, फिर भी नंबर्स गेम नहीं चेंज होती, इनका इनका 163 नहीं टापता। देखें अभी सेनेटर बना 12 वोट की मार्जिन से, इसमें आजाद आपने वोट ही, जुगनू मोहसिन अभी भी आजाद हैसियत में नहीं, है। नहीं अभी आप सेंटर में पहले आ जाए ना, सेंटर की कमर को छोड़ दें, पंजाब की कमर सेंटर की पहले बात ना, नहीं सेंटर छोड़ दें, सेंटर सेफ है, तो कुछ कुछ सेंटर सेफ है क्योंकि सेंटर के जो इलेक्शन है ना वो मैटर नहीं कर रहे हैं। आप पंजाब की हुकूमत की बात, 12 वोटों का फर्क है, 12 में 3-4 ऐसे लोग हैं जो आजाद हैं या कोलिशन गवर्नमेंट भी हैं। इलेक्शंस देखे कितने सारे पंजाब में होने जा रहे हैं, मैटर करते हैं ये इलेक्शंस, उतने मैटर नहीं करते। अगर मुझे पूछे मेरा नहीं ख्याल है कि गेम चेंजर है। शहजाद साहब आप प्रेजेंट रोल से पहले आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं नैब के, मुझे ये बताएं कि आज जब नैब ने किया है सारा, उसका कोई स्पोक्समैन नहीं बोला, पंजाब से पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौहान साहब, उनको तो खैर खामोश रहने का, उनको तो कौन करा सकता है, उनको तो बोलने का बहाना। बट आई ऑल्सो थिंक लेट मी ऐड टू दिस, ना मरकज के ना फवाद साहब को ना चौहान साहब को बोलना चाहिए था। ऐसा लग रहा है तर्जुमान नैब के ये बोल रहे हैं। तो ये जब दो बोल रहे थे इससे बिल्कुल एक लगता है जैसे पोलिटिकल नेक्सस का एक इंप्रेशन बन गया कि देखें जी हो गया। बल्कि जो ECL पे डालने की खबर है ख्वाजा साद रफीक की और उनके भाई सलमान रफीक की, वो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने डाली कि जी उनको भी ECL पे डाल दिया गया नैब की दरख्वास्त के ऊपर। इज दिस हाउ नैब ऑपरेट्स? नहीं मालिक, दो चीज़ें हैं। पहली तो सबसे पहले ECL वाली बात, मेरी इतला में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नैब की तरफ से जो मामलात आते हैं वो मेरी नज़र से भी गुजरते हैं। अगर ECL की रिक्वेस्ट आती है, अनाउंस कर दिया नहीं, ECL पे कोई रिक्वेस्ट नैब की, देखिए नैब की दरख्वास्त आई हुई है, लेकिन ECL को जो होता है वो कैबिनेट डलती है, वो अगर होगा भी तो कैबिनेट का या उसका तरीका होता है हंगामी इजलास बुलाया जाए या फिर वो तमाम कैबिनेट मेंबर से उस पर अप्रूवल लिया जाता है विद सिग्नेचर्स। तो ऐसी अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई, तो मैं नहीं समझता। चुन के आपकी गवर्नमेंट है ना पंजाब के उसने अपनी एक कार्रवाई की है, वो ये कोई पहली पेशी नहीं थी शहबाज शरीफ साहब की, पहले भी बहुत दफ़ा बुलाए जाते रहे, कन्फ्रंट भी शायद सुना है अखबारों में आया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कन्फ्रंट कराया गया है फवाद हसन फवाद के साथ। इस केस में फवाद भी उनका तो बहुत अरसे से शहजाद चल रहा था, इतलाएं आ रही थी कि जी वादा बागुआ बन गए, कुछ आज जी देखें इसकी भी कुछ इतलात आ रही है, कन्फर्मेशन का भी मुझे पता नहीं है कि वो वादा माफ़ गुआ, क्योंकि वादा माफ़ गुआई के लिए उनको कोर्ट लेके जाएंगे तभी बात सामने आएगी, लेकिन कन्फ्रंट्रेशन कराई जा रही है जो तहकीकात का बेसिक दायराकार है उसमें तो यही है कि चूंकि हो ये रहा है कि ये जो तमाम मामला था आशियाना वाला, इसके अंदर ये था कि इल्ज़ाम 3 लोगों पे था, वो अहद से पूछते थे वो फवाद का नाम बताता था, फवाद से पूछते थे वो शहबाज का नाम बताता था, तो जब तीनों को बिठा देते हैं साथ वो कहते हैं नहीं इसने कहा इसने, मुझे कुछ इस किस्म का सीन लग रहा है। और जिसमें हुआ क्या, ये जो आशियाना स्कीम में है, कंपनी बनाई पहले उसको कंपनी से LDA को दे दिया आशियाना स्कीम, फिर LDA से फिर कंपनी को दे दिया, बीच में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कराई, फिर पैरागॉन को इसको ठेका दे दिया गया, एक कंपनी से ठेका उसका ख़त्म कर दिया इस बुनियाद के ऊपर कि जी आप काम ठीक नहीं कर रहे, साथ उसको जुर्माना भी हुकूमत पंजाब ने 55 लाख का अदा किया कि हमने आपका ठेका गलत कैंसिल किया, और फिर उसके बाद और एग्जॉर्बिटेंट रेट पे एक और कंपनी को ठेका दे दिया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हमजा शहबाज ने, उन्होंने कहा जी पहली बात तो यह, फिर उससे पहले मरियम औरंगजेब भी की, उनका स्टांस ये था कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस का केस है, ना हमने कोई ज़मीन दी ना कोई सरकारी पैसे किसी को दिए गए, हाँ वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं है इतने साल और ये अपॉर्चुनिटी लॉस का सीन है, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, बल्कि जिस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया लतीफ़ जो बंदा था हाजी साहब, वो अभी भी अब्सकॉन्डिंग है, वो प्ली बार्गेन करके करप्शन केस में नैब से गए और अब नैब से एब्सकॉन्डिंग है, बल्कि उसको पिशावर मोटरवे का भी ठेका दे दिया गया एक एब्सकॉन्डिंग आदमी को। तो अगर एक बंदा नैब से प्ली बार्गेन कर रहा है, करप्शन में खुद मफरूर है, उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हुआ है, तो लॉजिक कहती है दिस गलत क्यों है फ्रेंकली? जी मालिक साहब, अब असल में हमें नैब कानून को थोड़ा समझना है कि नैब कानून है क्या, नैब कानून में जो करप्शन है वैसे नैब वालों को भी समझाएं, जो हाईकोर्ट का फैसला है ना उसमें नजर आता है नैब वालों को, हालात ने उनको शायद काफी समझा दिया होगा और अभी तक समझ आ जानी चाहिए उनको। अब बात यह है कि जी अगर आपके किसी एक्शन से
किसी को इलीगल गेन मिलता है जिसका वो अथोराइज नहीं है तो ये करप्शन होगी। अब ये बाद में इंटरोगेशन में साबित होगा कि जो उसने इलीगल गेन लिया है उसमें से कोई शेयर इनको दिया है या नहीं। अब इसमें इलीगल गेन किसने फायदा उठाया, पैरागॉन वालों ने उठा लिया। उन्होंने कैसे उठा लिया, पैरागॉन ने इनके साथ डील की कि जी ये सारी बातें इन्होंने कर दी कि जनाब ये जब उसको दे दी गया कैसा बिल्डर्स और पैरागॉन वालों को कि आपने यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, आपने डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं। डेवलपमेंट चार्जेस की मद में उन्होंने कहा जी आप इसमें से 1000 के नाल हमें दे दें, हम उसको आपसे चार्जेस नहीं देंगे। अब ना तो वहां पे कोई डेवलपमेंट हुई, ये 1000 के नाल लेके साथ इनकी मुल्हिका जमीन थी वहां इन्होंने अपनी जो हाउसिंग स्कीम थी वो इरेक्ट कर दी। वो ये कह रहे हैं कि हमने लैंड टाइटल एक इंच भी नहीं दिया किसी को, पैरागॉन को वादा हुआ था कि ये लेंगे, ये टर्म्स ऑफ डील थी लेकिन कोई लैंड उनको फिजिकली हैंड ओवर नहीं हुआ। नहीं अब ये तो वो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं पैरागॉन वाले कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे इसीलिए इसको अरेस्ट किया गया। अब इसमें हुआ क्या, 14 बिलियन रुपीस का एस्केलेशन हो गया है। अब अगर आप ये हाउसिंग स्कीम बनाते हैं तो 14 अरब रुपए ज्यादा उसमें देने पड़ रहे हैं, 14 अरब पे। फिर आपने क्या किया, एक फोर्थ ग्रेड कंपनी थी जो 1 या 2 करोड़ से ज्यादा का काम नहीं उठा सकती थी, उसको उठा के लेकिन अगर उसमें देखा जाए, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, कंसोर्शियम्स बनते क्यों है? कंसोर्शियम इसलिए बनते हैं कि 4 पार्टनर्स हैं, किसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एक्सपीरियंस कम है, किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा है और वो चीजें, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो कॉम्प्लीमेंट हो जाए चीजें और ओवरऑल जो टोटल एंटिटी की चीजें पूरी हो जाती है। मालिक साहब कंसोर्शियम बनते हैं तो जहां प्रोफेशनल्स आते हैं, लेकिन जहां पे आप ही के पार्टी के लोग आते हैं, ख्वाजा साद साहब आ जाते हैं, दिस इज नॉट कंसोर्शियम, इसमें ही तो उनकी मेलाफाइडिस थी। और नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इन्होंने बात की कि ये अगर कंपनीज थी तो कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, वो कैसे करता, यही फवाद हसन फवाद ने बताया। और वो जो 24 USBs पकड़ी गई थी, वो जो हार्ड डिस्क और वर्चुअल डिस्क पकड़ी गई थी, वहां से भी मटेरियल कन्फ्रंट होगा। अरेस्ट का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपने इनको सलाखों के पीछे रखना है, अरेस्ट का पर्पस ये है कि आपने इनको इंटेरोगेट करना है। अब कल जब इनका रिमांड लिया जाएगा एंड ही विल बी सब्जेक्टेड टू इंटेरोगेशन, बड़ी सीवियर किस्म की इंटेरोगेशन होगी, तो उसमें बहुत से चैप्टर्स खुलते हुए नजर आएंगे। लेट्स वेट एंड सी कि ये जो इंटेरोगेशन करते हैं अभी मियां साहब की, उसके जवाब में क्या चीजें अनअर्थ होती हैं, क्या चीजें सरफेस करके ऊपर आती है। ये बताएं, ये अगर कोई वादा माफ बनता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह डार साहब बने थे, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि जी जो डार साहब ने हुदैबिया में नवाज शरीफ के साथ किया था वो फवाद हुसैन फवाद ने इस केस में शहबाज शरीफ के साथ कर दिया, तो वहां पे तो ही गॉट अ फ्री गेट आउट ऑफ जेल कार्ड मोनोपोली वाला जो कार्ड मिला था। अगर फवाद हसन फवाद यहाँ इनके साथ लेट से अगर वो वादम ऑफ गोवा बनते हैं और बाकी ये चीजें इस तरह हुई हुई हैं जिसका नैब कह रहा है, क्लेम कर रहा है, तो क्या ही वॉक्स फ्री? एक और अंडर कस्टडी अगर कोई वादा माफ गुआ बनता भी है उसकी लीगल वैल्यू क्या है? देखें दो चीजें, एक तो ये है कि वादा माफ गुआ बनने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसको गवाही के बदले में माफ़ी दे रहे हैं, ये एक आपकी प्ली बार्गेन की अरेंजमेंट होती है जो कि ब्रॉडर सेंस में है। लेकिन अंडर कस्टडी जो वादा माफ गवाह बनता है या जो भी होता है वो कोर्ट के साथ होता है कि जो आपकी उसकी जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट के साथ रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं हुआ ना कि कोर्ट थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट आ गई है, ये जो डार साहब के जमाने में थी वो कोर्ट में होती थी, अब वो डायरेक्टली चेयरमैन को इख्तियार दे दिया है कि वो उसको अप्रूवर बनाते हैं और अप्रूवर उस शख्स को बना, उसको अप्रूव कोर्ट से जी अप्रूवर उस शख्स को बनाया जाता है, कोर्ट को बताना तो है, प्रेशर में नहीं है, कोर्शन में वो एंड में बताएंगे। अप्रूवर उस शख्स को बनाया जाता है कि जो कि मटीरियल एविडेंस देता है, ऐसे ही बैठे हुए नहीं बना दिया जाता कि जी हम आपको अप्रूवर, वो अप्रूवर बनने के बदले में आपको इतना एविडेंस ला के देगा लेकिन ये बताएं कि 7 महीने हो गए आहद चीमा को अंदर, ये आहद वॉज अरेस्टेड ऑन फरवरी 21 को, नैब ने उठाया आहद चीमा को DGLDA को, फिर July 5 को उठाया उन्होंने फवाद हसन फवाद को, अब जनवरी से बंदे को उठाया हुआ है फरवरी से, 7 महीने हो गए अभी तक कोई कटी कटा नहीं निकला। नहीं देखिए तो, जो इन्वेस्टिगेशन है आहद चीमा की तो कंप्लीट हो चुकी है, आहद चीमा इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में, तो उसमें रेफरेंस क्यों नहीं है? नहीं, वो रेफरेंस उसमें मेरा ख्याल है रेफरेंस आ गया है, ईवीएम में अप्रूव भी हो गया है। अच्छा, और देखें एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इन तमाम केसेस के अंदर, को एक्यूज शहबाज शरीफ भी थे
और वो नॉन कोऑपरेटिव थे। नॉन कोऑपरेटिव कैसे थे कि जाते तो थे या जब बुलाते थे आने जाने से क्या होता है, आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप आके कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर, आप उठ के चले जाते हैं। नॉन कोऑपरेटिव जब आप होते हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ, तो उस वक्त ही वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को इख्तियार इसीलिए कानून में दिया गया है कि आपको अरेस्ट कर सके, आपसे इंटरोगेट कर सके, आपसे सवालात पूछ सके, आपसे बरामदगियां कर सके, इसी पर्पज से। देखिए इसके पास सर्च और सीजर का भी एक प्रोसेस होता है। इस वक्त नैब इस पोजीशन में है कि उनके घर पे छापा मार के वहाँ से कागजात, कोई कंप्यूटर्स की उनकी चीज़ें भी पकड़ सकती है। तो ये तो सारे प्रोसीजर है ना इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना। जी वेलकम बैक टू द शो जनाब काशिफ। उन्होंने कहा सड़कों में भी लड़ेंगे, मुझे कि कहने में कोई हर्ज नहीं। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी का मकसद, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मकसद प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर डालना। सो जब ये कहते हैं कि हम सड़कों पे लड़ेंगे, जाहिर है कलाम बेल्स पीटीआई की गवर्नमेंट, नई नई गवर्नमेंट है, काम करने हैं, डिलीवर करना है, वो कहेंगे एक नंबर रोला पड़ जाएगा। सो एक प्रेशर तो उनके ऊपर पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन नवाज शरीफ साहब की आपने जेल देखी है, जेल के अंदर की मुलाकात किया तक तो ठीक था, उनको तो एयरपोर्ट लेने को ही नहीं गया। और यही शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब लीड कर रहे थे। सो अगर आपको ये मुझे कह रहा है कि सड़कों पे कोई बहुत बड़े एहतजाज शुरू हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा रोला पड़ जाएगा पाकिस्तान की सड़कों पे, लेकिन इंस्टेबिलिटी कुछ नजर नहीं आ रही। अभी एक इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, स्टॉक मार्केट क्रैश की हुई है, डाउट्स हैं, IMF में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट बिल्कुल तबाह हो गई है, क्रैश इन द सेंस के आज भी 400-500 पॉइंट गिरी हुई है, 40,000 पे आगे गोइंग अंडर चली गई। इशू ये है कि इंप्रेशन ये मिला, अब ये जो चीजें इकट्ठा गुदा पकड़ा है, सब का सब प्रेशर डालेगा सिटिंग गवर्नमेंट पे। अब सिटिंग गवर्नमेंट इसका अभी क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन जब ये प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, फर्ज करें सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी, ये पॉलिटिकल अगर इसी बैनर के नीचे के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसका अगर कहें कि साबित करें, सबूत लेकर आए, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक प्रोसेस होता है ट्रांसपेरेंसी, उसको ट्रांसपेरेंट करने का तरीका क्या? आप शहबाज साहब को बुलाते हैं, उसके बाद एक हैंडआउट करें कि हमने ये सवाल पूछा था, और स्पोक्समैन या आपका बात करें, तर्जुमान आके मीडिया से बात कर ले, जो भी चल रहा होगा वो सब लोगों को पता होगा कि केस में ये है, केस की बुनियाद ये है, इसमें ये जवाब आया, ये जवाब नहीं आया। जो बात ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब जवाब नहीं दे रहे, अगर ये पहली दो पेशों में कोई भी नैब का तर्जुमान आके कहता है कि हम इनसे सवाल पूछते हैं, आगे से जवाब देने से इनकारी हैं, ये कहते हैं मैं सीएम पंजाब को नहीं दूंगा जवाब, तो सर कहते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये फिर एक बॉम्बशेल ना होता है, एक एक्सपेक्टेड चीज़ होती है कि एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उस प्रोसेस में शहबाज साहब को ऑपरेट नहीं कर। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये हर एंगल पर, हर लेवल पर इसमें खराबियाँ। नटशेल, हाउ डू यू सी दिस गिरफ्तारी का क्या इफेक्ट देखते हो आप इमीडिएट पॉलिटिक्स? नॉट मच। मुझे नहीं लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, शहबाज साहब का मियां साहब के सामने बेचते हैं। पैर साहब ये बताएं, आप तो अकाउंट इनकी पूरी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के जार हैं, इंचार्ज हैं, उसमें नैब भी चाहिए आपको, FIA भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। नैब की जो मैंने ब्रेक से पहले 3-4 बातें की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हैं, हाई कोर्ट के फैसले आ गए, सब कुछ, क्या ये नैब इस पोजिशन में है कि वाकई डिलीवरी दे सके? देखिए ये मेरा ख्याल एक लंबी डिबेट है, क्योंकि नैब के साथ जो पिछले 10-15 सालों में किया गया वो भी सामने रखना चाहिए कि किस तरह से उसकी कैपेसिटी के अंदर, सबसे पहले बजट उसका ले लिया गया जब 2007-08 में गवर्नमेंट आई, बिल्कुल जीरो बजट कर दिया गया, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही नहीं रख सके। आई विल रीफ्रेज इट जी, अपनी मौजूदा शक्ल में क्या नैब कोई मुकदमे को तोड़ पहुंचाने की अहलियत रखती है? देखिए वो पहुँचा सकेगी जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस फुली, और सेकंड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। हमारी जो नैब के साथ इंटरेक्शन है महदूद सी, उसमें हम नैब को यही कह रहे हैं कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, आपके अंदर जो सियासी भर्तियाँ हुई हैं, जहाँ पे आप समझते हैं गलत लोग आ गए हैं, उन्हें निकाल बार करें और मार्केट से अच्छे इंडिपेंडेंट लोग लें। और ये काम नैब ने खुद करना है, नैब का लॉ उसको मैंडेट करता है, फेडरल गवर्नमेंट इसको किसी तरह से डिक्टेट नहीं कर सकती। तो ये हमें नैब के साथ ही काम करना है, और उसके लिए हम उन्हें पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए जो नैब की प्रोसिक्यूशन का स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परफॉर्मेंस थी, वो पूरी कौम ने देखी है, आपने देखी है, मैंने देखी है, जहाँ पे मेरा ख्याल है शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। वो केस अगर किसी काशिफ अब्बासी को दे देते लड़ने के लिए, तो वकील से अच्छा ये लड़ सकते थे अदालत में। उसमें तो जो जो सवाल, मैं हैरान हो रहा था, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें,
वो मेरे ख्याल है आवाम जवाब दे रही थी ट्विटर के ऊपर कि जी इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, और वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे जो अदालत में खड़े हुए थे। ये चीज़ उसके ऊपर देखने की जरूरत है कि अभी मेन अपील बाकी है। कैपेसिटी का इशू था या नियत का इशू? ये तो देखिए ये चीज़ हम नियत का भी है, अभी 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 इनके मैं उस पर एक प्रोग्राम भी जल्दी करूंगा कि बहुत सीनियर अफसर एक नैब के अभी रिटायर होने वाले हैं, उनके घर में भी बबल लिफ्ट भी लगी हुई है, और जब ये मलिक रियाज वाला केस हुआ तो उन्होंने फ़ोन करके कराची में डीजी नैब को कहा कि इसको आप रखें, ये चीफ जस्टिस 3-4 महीने में रिटायर हो जाएगा, तब तक इस मसले को लटकाना है। और वो माशाल्लाह नादरा में ही बड़े काम दिखा के आए हुए, और बकरे भी कुर्बानी के वो नादरा में अपने खर्चे से करवाते रहे, नादरा के खर्चे से कुर्बानी भी करते रहे, डिटेल हम करेंगे। तो ये नैब की अगर इंडिपेंडेंस चाहिए उनको कि इंडिपेंडेंस टू गेट इन टू डील्स, तो ये इंडिपेंडेंस तो उनके पास है, अभी भी है। लेकिन मैं सर मलिक मोहम्मद अहमद साहब हैं मेरे साथ जो स्पोक्स पर्सन भी हैं शहबाज शरीफ साहब के। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम मलिक साहब, शुक्रिया सर। सर ये बताएं आज शहबाज हमजा शहबाज ने कह दिया हम असेंबली में भी लड़ेंगे, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, तो वो अभी काशिफ ने सही पॉइंट आउट किया, काशिफ ने कहा बड़े मियां साहब को सजा हो गई थी तब आप सड़कों पे नहीं ला सके, तो आप कहां से लोग सड़कों पे लाएंगे? शुक्रिया मलिक साहब, मैं काशिफ अब्बासी साहब की बात सुन रहा था, ये जो उनका तज़िया है हकाइक पर मबनी है, ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा कोई मैस मोबिलाइजेशन नहीं हुई, उसकी दो वजूहात थी जो शायद मैं कह सकता हूँ। नंबर वन ये कि एक तो गवर्नमेंट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो पीएमएलएन की अपनी थी प्रायर टू इलेक्शंस, और जब इलेक्शंस में बड़े मियां साहब को अरेस्ट किया गया तो इलेक्शन कैंपेन का एक खास इन्वायरमेंट होता है, वो आप जानते ही हैं कि उस इन्वायरमेंट में रैलिंग एंड प्रोसेसिंग अदर देन इलेक्शन पूरी नेशन का एक फोकस होता है, उसमें दो वजूहात मेनली ये थी। और तीसरा उनका एयरपोर्ट पर पहुंचना और शहबाज साहब का उस प्रोसेस को लीड करना, एक मोबिलाइजेशन तो मैं खुद उस जगह पर मलिक साहब हमारी डीएसएन जी पहुंच गई थी, हमारे रिपोर्टर भी पहुंच गए थे, आप लोग ही नहीं पहुंचे थे, बाकी तो सारा शहर पहुंच गया थी। मैं नहीं, क्योंकि शायद आपकी जो इख्तियार और रसाई है मीडिया की मीनिंग बाय, वो शायद आप किसी भी बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन बाजुकात जो हमारे जैसे एक्टिविस्ट होते हैं उनके आगे एक बैरियर दूसरा तीसरा चौथा किड बैरियर हो जाता है क्रॉस करने। मलिक साहब अच्छा बैरियर था, अच्छा मलिक साहब दिया गया। अब ये बताएं मलिक साहब, अब ये बताएं आपके बारे में भी कहा जाता था कि यू वर अ मॉडरेट, यू वर नॉट अ हॉक, तो अब क्या है, अब ये हॉकिस सियासत ही अब पीएमएलएन में चलेगी, जो कहा जाता था कि एक शहबाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं इदारों से बना के रखें, ना जुडिशरी से टकराव करें, ना फौज के साथ, ना इसके साथ, तो क्या आप टोटल जाति उम्रा डॉक्ट्राइन चलेगी? मलिक साहब आप शायद कुछ बातों से कॉग्निजेंट हैं कि ये मैंने खुद शहबाज साहब से पूछा कि वर्स कम टू वर्स जिस तरह की ये नैब की एक्टिविटी नजर आ रही है और लग रहा है कि पूरी हुकूमत जो है वो इस्तेमारी नैब के इस गार्ड के अंदर होगी कि पीएमएलएन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, और फिर जो गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके साथ करप्शन को रिलेट किया जा रहा है वो तो आपकी जात के साथ मुंसलिक है, और मुझे ये फियर फैक्टर है कि शायद आपकी पूरी गुड परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस और आपकी डिलीवरी को टार्निश करने के लिए आपके खिलाफ कोई अनवांटेड जो जिसको हम अभी विजुअलाइज नहीं कर रहे, कोई ऐसी फॉर्मल अरेस्ट ना आपकी कर लें या कुछ ना कर लें, तो उसमें फिर आपका एक एजुटेशनल मोड ऑटोमेटिकली डिवेलप होगा। बट उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल कतई तौर पर मैं किसी भी सूरत ये इख्तियार नहीं करूंगा, और मैं कभी अब ये एक इसका नेचुरल आउटब्रेक हो सकता है अगर मैं एज अ पार्टी कोई मोबिलाइजेशन करूंगा, आप भी जानते हैं काशिफ साहब, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर पब्लिक की को अपनी रियलाइजेशन हो तो दैट्स अ डिफरेंट नोट और डिफरेंट स्टोरी ऑल टूगेदर। सो व्हाट वी आर सीइंग इज के अभी ना कोई एजिटेशन होगी, ना कोई घेराव शरा होगा, ना कोई धरना होगा, आप इसको पढ़े लिखे लोगों की तरह बस पीस लविंग सिटीजंस की तरह अदालत में लड़ेंगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम अपना अदालती हक और अपनी साथ हुई ज्यादती पर जो आज इतनी कलरफुल अरेस्ट है, ये कोई मजाक था कि एक आप बुलवाते हैं नोटिस देते हैं, जो इसका कोर्स ऑफ लॉ होता है वो प्रेडिक्ट किया जाना चाहिए, वो ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक बिल्कुल ही हिडन मैनर के अंदर कोई एक्ट कर दें इतना मेला फाइडी के साथ इतना कलरफुल। मैं एक सेकंड में सर लाइन पे लीजिएगा, बैरिस्टर शहजाद भी बैठे हुए, राजा आमिर भी है,
प्रेशर साहब से ये बताएं ये क्या था, बुलाया किसी और चक्कर में, बुलाया साफ पानी केस में था, और ये मेरे ख्याल से मैं तो चूंकि हुकूमती नुमाइंदा भी हूं तो बेहतर होगा आप एक इंडिपेंडेंट लॉयर से पूछ लें। ये तो बड़े एक उन्होंने अच्छे तरीके से उनके अरेस्ट वारंट्स आए हुए थे और उनको बताया गया था, ये तो अभी हमें बताया जा रहा है ना कि उन्हें सिर्फ साफ पानी के लिए बुलाया गया था, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन थी कि जनाब आपसे इस बारे में भी पूछा जाएगा और उसके बाद कभी इन्विटेशन और चले अभी ये तो पता चलेगा ना, और कभी अरेस्ट वारंट्स बता कि नहीं दिए जाते हैं तो भाग जाएगा बंदा कि जनाब आप आइए हमने अरेस्ट करना है। बिल्कुल नहीं, गलत बात कर रहे हैं और गलत बात कर रहे हैं। देखिए नोटिस ये था कि आप साफ पानी कंपनी में इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए जो उन्होंने चार सवाल फ्रेम किए हुए थे वो सवालों का नोटिस था, और उन्होंने उस इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के अंदर वहां पर तलब किया जो शहबाज साहब ने आज तक जितने नोटिसेस आए उन सबको उन्होंने रेड किया और वो वहां पर गए। मलिक साहब आप भी लॉयर हैं, ये बताइए कभी भी किसी को बताया जाता है कि आप आ जाइए हमने आपको अरेस्ट करना है? नहीं देखिए अपना आमिर साहब मेरी एक गुजारिश सुने, आप ये जो नैब के लॉज हैं उनके नैब के लॉज को क्या इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप मुझे किसी बुलाएं, किसी अरेस्ट का तरीका पूरा दिया हुआ नहीं मुझे, मैंने वो सेक्शन 24 हजूर देखें, गुजारिश ये है कि आप इस केस में जब कोई बात गलत हो आप उसको इतना तो तस्लीम करें कि एक मामला जो बिल्कुल ही कलरफुल मैनर में उन्होंने प्रैक्टिस किया है आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, के बाद आप भी लॉयर हैं, आप यू आर ड्यूटी बाउंड टू गिव द राइट डिसीजन। सर सर अब तो हमेशा यही हुआ है कि अरेस्ट कभी बता के नहीं किया जाता, नहीं तो ना बताया होने के चांसेस होते हैं। अब होगा क्या, अब कल इनको इनका रिमांड लिया जाएगा, रिमांड होगा 14 रोज का रिमांड होगा, उसके बाद 90 डेज तक वो इनको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं विदाउट बेल, विदाउट बेल बिकॉज ड्यूरिंग इंटरोगेशन, और इनके पास बेल का राइट भी नहीं होगा कि कहीं से ले सकें बेल, नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो जा सकती है, लेकिन नॉर्मली जब आप इंटरोगेट हो रहे होते हैं तो आपको नहीं होती, जब आप जुडिशियल उसमें चले जाते हैं लॉकअप में जेल में तो फिर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसके बाद 2-3 और भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, साफ पानी का भी है, वो पंजाब पावर वाला केसेस भी हैं, अगर इसके 90 डेज खत्म हो रहे हैं और उसमें वो अरेस्ट कर लेते हैं तो ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा आगे। शुगर मिल से एक कनाल भी बनाई है उसका भी ये काफी आगे चला, बहुत सारे केसेस पुल भी बनाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 2-4 माह में कोई बेल होती हुई नजर नहीं आती। ये जो कनाल की बात कर रहे हैं ना, कितने करोड़ की थी, 60 करोड़ की एक कनाल निकली डेडिकेटेड कनाल पंजाब गवर्नमेंट के पैसों से, वो उन्होंने कहा कि जी आप नाले के पानी के लिए करें, उन्होंने कहा जी इतना खराज नहीं नाले के पानी का, जो करें जो एक्सियन था वो उसने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता, उसने अपना तबादला करा दिया, तो फिर नए एक्सियन को बुला के 60 करोड़ का ये नाला सिर्फ रमजान शुगर मिल की के लिए इस्तेमाल होता है, वो जहाँ से उनका वेस्ट जाता है, फिर वो दो जो चिन्योट की दूसरी साइड है जहाँ गन्ना आता है वहाँ पर नया रश है, वहाँ पर एक पुल बनाया गया ताकि वहां से गन्ना ला के रमजान शुगर मिल मिलाया जा सके। वो समय मुल्क में शुगर का बुरान था ना, तो इसलिए हंगामी मेजर्स। ये मुझे बताएं अगर ऑपोजिशन की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं जी पैटर्न है, जनरल इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ, अब इन इलेक्शन से पहले ये जो मशहूद साहब का बयान आया था उसने तो नहीं टायर लगाए फाइल को और झटका करवा दिया। देखिए ये मुमकिन है, मैं आज किसी से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि क्यों क्या वजह है कि इतनी जल्दी में ये हो गया, ये इंप्रेशन जाहिर करने की भी कोशिश की गई जो राणा मशहूद ने जो बयान दिया था, और एक इंप्रेशन बना कि शायद किसी डील के तहत मियाँ साहब बाहर आ गए और मुस्लिम लीग नून के साथ कोई मामला ठीक हो रहे, सो ये इंप्रेशन खामोशी इसकी वजह, मियाँ साहब का भी एक बयान आ गया अभी एज वी टॉक, उन्होंने कहा कि जी बड़ा अफसोसनाक और मस्खा खेज बात है जो ये हुआ है, वेरी माइल्डली टेम्पर्ड थिंग, तो लोग कह रहे थे कि जी मियाँ साहब खामोश हैं, मरियम खामोश हैं, ये कोई एक सॉफ्टवेयर कॉन्टोर्स नजर आ रहे हैं किसी चीज के। आई डोंट थिंक, देखिए हम हर चीज को जोड़ रहे हैं किसी ना किसी, मैं इसके साथ मेरा नहीं ख्याल है कि किसी चीज का असर जाहिर, डी जी आई एस पी आर का ट्वीट आ जाना, उसे जो असर जाहिर होना था वो उधर ही हो गया था, उससे आगे तो नहीं बात जा सकती ना। मैं दोनों पार्टियां डिनाई कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफिशियली हर लेवल पर डिनाइल आ गया, फौज की तरफ से डिनाइल आ गया, उसमें तो कुछ नहीं बचा था राणा मशहूद के बयान, सो आई कांट इमेजिन कि उसको उसके असर को जाहिर करने के लिए किया गया। लेकिन जो आपने दूसरा कहा ना ऑपोजिशन क्या कह रही है, देखिए एक दूसरा ही साइड भी है, आप हर चीज उठाएं कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, कहीं जो बेजाबतियां वो तो है ही, अभी लंदन में अपार्टमेंट निकल आते हैं, चार की बात हो रही है, डॉक्टर साहब के दो नए अपार्टमेंट ढूंढ लिए, मुबारक हो आपको, उन्होंने खुद ही दिलवा दी है 21 लंदन में अपार्टमेंट मस्जिद निकल आते हैं, मेलो लाइन की स्टोरी, तो दुबई में प्रॉपर्टीज नहीं कर रहे, यहाँ पर जब देखें कि क्या हो रहा है जी, यहाँ पर जी इधर से हो गया वो काजी फैमिली के उसके ऊपर वो फॉरेन बैंक से लोन्स ले ली, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में, हम सिर्फ ऑपोजिशन का मसला क्या है, कुछ कुरेदो नहीं, कुछ
पकड़ो नहीं। प्रॉब्लम यह है कि ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें भी तो पता चलना चाहिए एज वोटर्स एज टैक्स पे, जब हम कि कौन कौन क्या क्या करता रहा। मैं बार बार जाता हूं, जब हम नैब की ये जिरा के अंदर सुनते हैं नैब की हरकतें, तो आपको तो लगता है कि ये कोई थाना ग्वाल मंडी का सब इंस्पेक्टर भी इनसे ज्यादा सियाना है जो हु नोज हाउ टू प्रोसेस अ केस एंड मेक अ केस। इनके ये तो वो लोग नजर आ रहे हैं जो मुझे नैब के शक नजर आते हैं कि आप इनके सामने खाना रख दें तेरा ने भूखे बैठे रहना कि पता नहीं खाना कितने का। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए मसला हमारे मुल्क का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या, ये नैब का एक पूरा प्रोसीजर है, इंक्वायरी से शुरू होकर इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस प्रोसिक्यूशन नैब के जज, मैं माफी चाहता हूँ, ये सब एक चेन है ना पूरी, जिसमें पहले से लेकर आखिर तक एक केस आगे चलना। मैं अगेन एक वकील 5 करोड़ लेकर नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहा, एक 3 लाख का वकील उसके सामने खड़े होके, नहीं सर गलत है, 3 लाख नहीं, 1.5 लाख है। जो प्रोसिक्यूटर है यकीन करें वो वैगन पे आते हैं पिंडी से, उसके उस केस में आईओ प्रोसिक्यूटर ऐसे भी हैं जो सुबह जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी नैब से उस जमाने में जब ये शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा जी हाँ आपको सिक्योरिटी मिलेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप सुबह वैगन पे घर से आया करें, दफ्तर से आपको एक सिक्योर्ड वैन लेके जाएगी। तो ये डिस्पैरिटी ये है, ये फर्क है, फर्क चेक करें तो आप ऐसे मतलब इस सिस्टम में कैसे काम होगा। आपकी प्रेजेंस का ही फायदा उठाते हैं, जितना डिटेल्ड फैसला है ये 4-5 सफ़ों का होता है, मेरी बात होती बिल्कुल 4-5 सफ़े का, इसमें इस बेंच का बड़ा क्लियर बेंट ऑफ माइंड आ गया, बड़ा क्लियर आ गया। क्या अब ये प्रॉपर है कि यही बेंच डिटेल्ड अपील भी सुने? ये तो फिर देखिए ना, जिस बुनियाद के ऊपर बशीर साहब से मुकदमा शिफ्ट किया गया दूसरे जज के सामने, वहाँ तो मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो फैसले की जो डिटेल्ड है ना वो डिटेल ही उसका पहला ग्राउंड बनेगा अपील का मेरे ख्याल में। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, मलिक साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और वापस आके जे भी जाकर क्विकली इनसे पूछेंगे कि डार साहब के जो अपार्टमेंट तो ढूंढ लिए हैं, डार साहब क्यों नहीं मिलते इनको, उनको क्यों नहीं लाते? ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। काशिफ बड़ा इंटरेस्टिंग अभी व्हाट्सएप आया है कि मुझे एक दोस्त का, उन्हें कहा आपने एग्जांपल दी थी कि डार साहब ने वो किया नवाज शरीफ के साथ जो किया वही फवाद हसन फवाद ने किया। उन्होंने कहा एक चीज़ और भी कॉमन है, वो भी नाअहल थे, फवाद हसन फवाद भी जूनियर अफसर था, तो अब क्या ये आजम खान और इमरान खान का भी तो एक सीन लोग नहीं होगा 6 महीने बाद कि आजम खान की बात कर रहे हो, बिकॉज उनकी भी वही हरकतें हैं, वही ग्रेड 21 सब। बल्कि मुझे पता लगा कि आजम खान साहब जो हैं वो मिनिस्ट्रीज के अंदर भी इन्वॉल्व हुए हैं कि जी इस मिनिस्ट्री को इस सेक्टर में आना चाहिए, इसको इसके नीचे रहना चाहिए, ये जो सी है ये इंटीरियर के नीचे आएगी, इस तरह करके वो काफ़ी वो जंगें चल रही हैं। बट कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट, इसका अभी आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट देख रहे हो? देखिए अभी राइट नाउ मुझे आई एम स्टिल कन्फ्यूज के हो क्या रहा है। आई टेल यू व्हाई, मैं पूछ रहा हूँ उधर आप दिमाग में रखें जो जरदारी साहब का चल रहा है, दिन ब दिन केस बड़ा होता जा रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब पहले फंसे हुए हैं, 2 दूसरे केसेस हैं, अब शहबाज शरीफ भी आ गए हैं, ये सारे एडवर्सिटी के पार्टनर्स भी बन गए, इनका अलायंस और स्ट्रांग होगा और हार्ड लाइन इनको लेनी पड़ेगी ताकि इकट्ठे अपने वेट से निकलें। ये बात ठीक है आपकी, ये इनको इकट्ठा तो कर देगी, लेकिन मुझे तो मैं अब भी इस सिस्टम की कैपेसिटी पर मेरे सवाल है कि क्या इस सिस्टम में वो कैपेसिटी है कि इन चीज़ों को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जा सके। केस बनाना गिरफ्तार कर लेना कितनी अच्छी खबरें, मज़े मज़े की बड़ी खबरें, हम जब देखते हैं हम भी भागते हैं कि यार टीवी प्रोग्राम शुरू हो गए हमारे पास मवाद आ गया। बट लेकिन इन केस उठा के देख ले पैनामा, इवेंचुअली इट गॉट नॉक्ड आउट ऑफ द केस जो इन्होंने खुद तबाह किया, तबाह कर दिया। क्यों? कैपेसिटी और नीयत दोनों चीजों पे मुझे शक है। सो अगर जितने मर्जी केस बना लें, जितनी अरेस्ट कर लें, लॉन्ग टर्म मिड टर्म शॉर्ट टर्म कैन दे होल्ड दीज केसेस, कैन दे होल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ? क्या ये लोग इतनी कैपेसिटी है नैब की? मुझे तो लगता है कि केस अच्छे भी हो ना, तगड़े केस भी हो, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना बहुत बड़ा चला था। इसका जवाब तो आपसे लूंगा, आप सरकारी बंदे हैं, आप तो सरकार के साथ हैं, और लेकिन आपकी सरकार के बंदा क्या बल्ले बल्ले, आपने पंजाब में कहा कि जी हम लैंड वापस लेंगे और हुकूमती जो कब्जा ग्रुपों से लेंगे, और दिया किसको? अलीम खान साहब उसके इंचार्ज हैं, जो खुद लैंड माफिया गैंग में इल्जाम लगता है, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने है। मंशा बम को सुप्रीम कोर्ट उठती है, उसकी फोटोज चल रही हैं, खान साहब को भी सलाम पेश कर रहा है और अलीम खान के साथ बैठा हुआ है,
जो माफियाज हैं या जो उनके साथ काम कर रहे हैं वही लोग आप लोगों ने राखी पे बैठा दिए। देखिए और नैब की कैपेसिटी आप मुझे मेरे से बेहतर जानते हैं। राखी से शुरू कर लेते हैं। देखिए राखी पे किसी को नहीं बैठाया, जितने इदारे हैं एहतसाब के, चाहे वो एंटी करप्शन है या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या FIA है, तमाम को फहाल कर दिया गया। आप पंजाब में सिर्फ अपॉइंटमेंट देख लें जो एंटी करप्शन की गई है, नए उसके DG लाए गए हैं हुसैन असगर साहब, उनकी रिप्यूट सबको पता है। मैं एक बात का बड़ा कन्फर्म श्योर हूँ कि पंजाब में चाहे कोई मिनिस्टर है या जो कोई भी है, जो भी आएगा वो एंटी करप्शन वालों से भी नहीं बचेगा। नैब भी आपको फहाल नज़र आएगी, नैब के अंदर भी जितना हम उनको उनकी जितनी बजटरी रिक्वायरमेंट आई हुई है कि वही वाली बात है। नैब को नैब वालों से कैसे बचाएंगे? देखिए नैब के अंदर सीरियस स्ट्रक्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है, और वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म ऐसे होगी कि उनको आप वो कॉन्फिडेंस दें गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करें। कैसे? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ बैठे हुए, आपके ख्याल में क्या है? ये 2-3 महीनों में ये चीज़ें बिल्कुल, तो 2-3 महीनों में तो आपके आधे रेफरेंसेस खत्म हो गए। नहीं, कोई इतनी जल्दी कोई रेफरेंसेस खत्म नहीं होते। देखिए थोड़ा सा जो आपने 10 साल में तबाह किया है मैं नैब को, उसको ठीक करने में कुछ आप उसको 2-3 महीने दे दें, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं हैं कि हम यक जुम्बश कलम कुछ कर दें, हम फौरी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून भी पास नहीं करवा सकते। इसलिए वो चीज़ें हमें सिस्टम के अंदर ही रहकर ठीक करनी है। वेरी क्विकली मुझे ये बताएं, डार साहब के ऊपर हम कहाँ खड़े हुए लाने पे? डार साहब की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल हो चुकी है। एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट जो है इज लाइंग विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। उन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सीड करना है, और वो जब एक्सीड कर जाएंगे तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा एक्सट्रेडिशन का। और मैं बहुत होपफुल हूँ इन लाइट ऑफ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ कॉपरेशन का, और अभी आपने उसमें देखा होगा कि हमने तो अपनी गुडविल दिखा दी है। ये परसों ही हमने एक बंदे को एक्सट्राडाइट कर दिया जिसको पिछले 7 साल से हमसे मांग रहे थे। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल वो केस बिल्डअप कर रही हैं हुकूमत पाकिस्तान का। एक बहुत बड़ी रुकावट थी हमारे यहाँ, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून नहीं था, वो कानून हम ला रहे हैं, वो भी इसमें पास हो जाएगा कैबिनेट मीटिंग में नेक्स्ट में, और उसके बाद वो पार्लियामान में चला जाएगा। हम तो उसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने का सोच रहे हैं। देखिए जो रिक्वेस्ट एक्सीडिंग जो है ना वो पहला स्टेप होता है उस हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हमारी ट्रीटी नहीं है, तो वो तो मुझे बहुत जल्द नज़र आ रहा है। तो मैं उसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं देख सकता, मैं 1-2 हफ्तों में जा भी रहा हूँ लंदन, तो एंड ऑफ दिस मंथ अर्ली नेक्स्ट मंथ कुछ हमें अच्छी आपको मैंने ज़हमत देनी है इसी वीकेंड पे या अगले वीकेंड पे, क्योंकि बातें बहुत थी। मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि वहाँ पे एक्सट्रेडिशन की बहुत उम्दा फर्म्स हैं UK में, उनका काम ही एक्सट्रेडिशन है, तो I would request के कोई वहां की extradition firm को प्रोग्राम में कहा था कि हम कर रहे हैं उनको हायर, अगर वो कर लेंगे तो फिर it becomes easier and simple। गोरिया ते रहना, साडे ते रहना, ते वकील आ जाओ ना गूगल वाले, मैं ते वकील ना जाओ, उन्होंने जाके खुद असाइलम मांग लेना। नहीं नहीं, वेरी क्विकली राजा, आपको इसमें मीट कितना नजर आता है? बिकॉज जब आप बात सुनते हैं हमजा की, बात सुनते हैं दूसरों की, तो वो कहते हैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी लॉस का है इस केस में, कोई जान नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये सिंपली एक पॉलिटिकल प्लॉय है। देखिए अगर इस केस में जान नहीं है तो ये जो इतने बिलियंस की प्रॉपर्टीज खाली उनसे निकल रही है कि जो खुद बेनिफिशियल ओनर्स नहीं थे, अल्टीमेटली वो फ्रंट मैन ही थे, तो अगर उनकी इतनी निकल रही है तो ये कहां जा रहा था पैसा? तो कल इन्होंने बुलाया हुआ फिर उनको, देखिए मुझे लगता है मेरा एक रिक्वेस्ट क्विकली होगी नैब को फैक्ट्स भी आके बताएं हमें कि क्या केस है, ये केस है शहबाज साहब की, ये खराबियां हैं, इसमें इतना नुकसान हुआ एक्सचेकर का, ये इस वजह से गिरफ्तार किया गया। अभी तक तो हवाई फायर हो रहा है, आप कह रहे हैं जमीन लिया है, वो कह रहे हैं जमीन तो एक्सचेंज हुई नहीं। सो इस कंफ्यूजन में नुकसान नैब का होगा, पॉलिटिशियन तो फिर फायदा उठाएगा सारे। थैंक यू वेरी मच, अब आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वेरी क्विकली, हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ना सेंटर के ना पंजाब के नहीं चाहिए, वो नैब के रिप्रेजेंटेटिव ना बने, हमें चाहिए नैब आए, इनके रेप्स आएँ, ये आके बताएं एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या है। अभी तक जो नैब की हम परफॉर्मेंस के बारे में कॉमेंट सुन रहे हैं जजेस के और इंस्टीट्यूशंस के और केसेस के, वो तो बड़े डिसहार्टनिंग है और सीरियस कैपेसिटी इशू है। खाली नियत से कुछ नहीं होता, अंग्रेजी में कहते हैं द रोड टू हेल इज पेव्ड गुड इंटेंशंस, नियत से कुछ नहीं होता। नैब को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, ये जीते हुए मुकदमे हार रहे हैं और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे तो नैब के ऊपर सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं और आइंदा प्रोग्राम्स में भी हम बात करेंगे, पर लेट्स होप जो आज का वाकया हुआ है ये मेरिट का टेस्ट कौन सा है ना उस पर पूरा उतरेगा, और ये एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह पे इसके ऊपर बात नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।